नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब के बारे में। रेफरेंस टैब जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैब है, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन आप वीडियो को अगर शुरू से लेके अंत तक देखते हैं तो आपका हर एक कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इनके सारे ऑप्शन से रिलेटेड पहले सबसे बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप की। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, चूँकि ऐसा होता है कि कोई भी कंटेंट की अगर हमें टेबल इंसर्ट करानी है तो इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम कंटेंट बनाना चाहें तो यहाँ पर हम कुछ सेलेक्ट करते हैं और इसको ज़रा हेडिंग फॉर्म में भी ले लेते हैं। ये इसको हेडिंग बना ली और हमने इसको हेडिंग टू बना लिया और थर्ड पैराग्राफ का हमने सेलेक्ट करा और इसको हेडिंग थ्री दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक टेबल इंसर्ट कराएंगे। इसके लिए हमको यहाँ पर प्लेस बना करके और यहाँ पर आते हैं रेफरेंस टैब में और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट्स बने हैं, किस फॉर्मेट्स में आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इंसर्ट हो चुकी है टेबल्स। अब हमें क्या करना है कि एक यहाँ पर ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है। ऐड टेक्स्ट में क्या होता है, जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और सारे ऑप्शन हैं। इसके लिए हम किसी भी एक को अलग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये गैलरी है और इसको सिलेक्ट करते हैं, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। किसी भी जैसे कि ये क्या करेगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करेगा, इसलिए हमको चाहिए एक वर्ड, तो हम इसको अलग कर लेते हैं ठीक। और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, लेवल वन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए ये पूरा पैराग्राफ इसने सेलेक्ट कर लिया है और इसीलिए मैं चाहता हूँ इसको अलग कर लूँ इससे, ताकि ये अलग दिखे ठीक। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आते हैं ऐड टेक्स्ट पे, लेवल वन पे क्लिक करते हैं। अब ये लाइन पूरी जो है हमको उस टेबल में ऐड दिखाई पड़ेगी। अपडेट टेबल अगर हम कर देंगे तो ये पूछेगा कि अपडेट एंटायर टेबल, मतलब कि सारी टेबल को हमें अपडेट करना है। हाँ, तो हमें एंटायर टेबल करनी है और यहाँ पर आते हैं। देखिए कि जो हमने फोर्थ बार अगली बार जो लास्ट टाइम किया है उसका भी कंटेंट अपडेट हो चुका है। फिर बात करेंगे इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट और एंड नोट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों में, क्या है फुट नोट और क्या है एंड नोट। एक्चुअली क्या रहता है कि फुट नोट जो होता है हमारा हर पेज के अंत में जो है इंसर्ट होता है, जबकि जो एंड नोट है वो सबसे डॉक्यूमेंट के लास्ट में इंसर्ट होता है। जैसे कि बात करें फुट नोट की, तो अगर हम किसी भी इस पैराग्राफ के बारे में अगर हम फुट नोट देना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। दिस पैरा हैज़ बीन टेकन, दिस पैरा हैज़ बीन टेकन एक्स वाई जेड, जो भी हो आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, आप क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में इस तरीके से अगर हमें नेक्स्ट फुट नोट डालना है तो हमको ऐसे नेक्स्ट पे करेंगे अगले के लिए। अगर हमें एंड नोट लगाना है तो हम इस पेज से मान लिया कहीं पर भी हैं और एंड नोट जा करके क्लिक कर दिया तो हमारे डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में जा करके एंड नोट इंसर्ट होता है। एंड नोट जैसे मान लिया पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ देना है, दिस डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डॉक इज वेरी इम्पॉर्टेंट ठीक। हमको इस तरीके से कुछ भी दे सकते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर सो नोट्स क्या होता है कि सारे नोट्स हमें दिखा देगा कि कहाँ पर हमारे नोट्स हैं। देखिए सो नोट्स पे जो हम क्लिक करते हैं तो एक तो ये आई पे जहाँ ब्लिंक कर रहा है, फिर इसके बाद में जैसे अगर हमें वो एंड नोट का देखना है तो ओके करेंगे तो हमें एंड नोट दिखा देगा कि हमने यहाँ पर एंड नोट लिखा है। जैसे मान लीजिए हम कहीं और जगह पे हैं और हमें एंड नोट या फुट नोट पे जाना है तो इसके लिए सो नोट्स का यूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद हम क्लिक बात करेंगे यहाँ पर सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या है बेसिकली, जैसे मान लिया कि सिटेशन है, कोई भी हम सिटेशन क्लिक कर लेते हैं जैसे यहाँ पर, और इसके बारे में हम एक सिटेशन देते हैं, इंसर्ट सिटेशन ऐड न्यू सोर्स। यहाँ पर देखिए अगर हमारा जैसे जो भी सिटेशन है वो उसका टाइप क्या है, बुक, अगर हम मान लिया कोई बुक बना रहे हैं तो उसके बारे में सिटेशन देते हैं। आथर का नाम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लिया कि डॉक्टर एके मित्र, कुछ भी दे सकते हैं आप, कुछ भी अपने तरीके से दे सकते हैं। टाइटल क्या है बुक का, कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी जो भी मन हो। ईयर क्या है, कब पब्लिश हो रही है, तो 2019 पे हम मान लिया डाल दिया। सिटी क्या है, सिटी की बात करें तो कुछ भी डाल दीजिए आप, मान लिया दिल्ली डाल दीजिए। फिर इसके बाद में टैब पब्लिशर कोई भी डाल दीजिए, मान लिया नगीन प्रकाशन जो भी हो ठीक। इस तरीके से हम कुछ भी इंसर्ट करा सकते हैं और ओके कर देंगे
तो अब यहाँ पर जो है देखिए इस ये जो है हमारा सिटुएशन आ चुका है। माइनस सोर्स पे जाएंगे तो हम इसी को माइनस कर सकते हैं, मतलब इसको कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन खुलेंगे, मतलब हम कुछ और भी एडिट कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम उसको माइनस करा सकते हैं, न्यू के थ्रू फिर नया ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर दिया है स्टाइल, इसकी स्टाइल अगर हमें चेंज करनी है तो नई नई स्टाइल जैसे मान लीजिए इसको हम कराएंगे तो देखिए कुछ चेंजेस आ गया है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, इसका पूरा जो हमने दिया था वो पूरा उस तरीके से आ जाएगा बिब्लियोग्राफी में। देखिए ये हमने जो भी उसमें दिया है सारी की पूरी बिब्लियोग्राफी आ जाती है। इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, कैप्शन के लिए हमको कोई पिक्चर इंसर्ट करानी पड़ती है तभी हम कैप्शन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हैं तो हम यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट करा लेंगे। क्लिप आर्ट यहाँ पर बहुत सारी हैं, क्लिप आर्ट से ही समझ लेते हैं। क्लिप आर्ट है देखो, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि कई सारे पिक्चर्स इंसर्ट हो जाए आसानी से। और इस पिक्चर पर जा कर के हम यहाँ रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैप्शन का मतलब होता है कि उस फिगर का नाम देना। अब यहाँ पे फिगर ए लिखा है, हम चाहें तो इसका लेबल चेंज भी कर सकते हैं, फिगर की जगह पिक एक टेबल जो कुछ भी लगाना चाहें। यहाँ फिगर पहले से सिलेक्टेड है तो हम वैसे चाहें वैसा ले सकते हैं। ठीक, फिगर ए इसको नाम दे देंगे तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा फिगर ए। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और दूसरी पिक्चर कहीं यहाँ पर इंसर्ट करा लेते हैं, जैसे ये डॉक्टर साहब हैं इनको इंसर्ट कराते हैं। और आते हैं हम रेफरेंस टैब में और यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए दूसरे वाले फिगर का नाम फिगर भी दे रहा है और ओके कर देंगे। इस तरीके से हमारा फिगर है, फिगर भी इंसर्ट हो चुका है। अब इसकी हम टेबल इंसर्ट कराएंगे, यहाँ पर आते हैं और अबव में हम टेबल इंसर्ट करा लेते हैं दोनों पिक्चर की, ओके कर देंगे। तो देखिए ये फिगर है, फिगर भी अगर हमें कंट्रोल के साथ इस पर प्रेस करें तो हम फिगर ए पे जाएंगे, कंट्रोल बी पे प्रेस करें तो हम फिगर बी पे चले जाएंगे। तो एक रेफरेंस क्रिएट हो जाता है इनका सबका। फिर इसके बाद हम बात करें अगर हमें कोई तीसरी पिक्चर कहीं पर इंसर्ट कराते हैं इस तरीके से, मान लीजिए कि एक काउ की है और हमने इसको इंसर्ट करा ली है, रेफरेंस में जाएंगे और इसका कैप्शन दे देंगे, फिगर सी आएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर जब हमने टेबल इंसर्ट फिगर इसका टेबल जो इंसर्ट कराई थी इसमें देखिए नाम नहीं आ रहा फिगर सी का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे अपडेट टेबल, जिसके थ्रू हमारा जो है अपडेट एंटायर टेबल मतलब टोटल टेबल, और ओके कर देगा, फिगर सी का भी आ चुका है। ठीक, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जैसे ये टेबल के रूप में आ रही है हम क्रॉस रेफरेंस में उसको एक कॉलम के फॉर्म में इस तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ से पहले कर्सर हटा लें ताकि आप कायदे से समझ सकें। क्रॉस रेफरेंस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिगर को सिलेक्ट करेंगे तो उसका क्रॉस रेफरेंस बना देगा, फिगर ए और फिगर बी और फिगर सी, इस तरीके से हमारा रेफरेंस बन चुका है और क्लोज कर देंगे। ठीक, अब हम यहाँ से डायरेक्ट चाहें तो कंट्रोल से और इस पर क्लिक करके जा सकते हैं, एक तो वो टेबल हो गई और दूसरा इस तरीके से वर्ड के थ्रू। फिर हम बात करेंगे इंडेक्स की, इंडेक्स क्या होती है, बेसिकली किसी भी मार्क के हुए कोई वर्ड हैं उनकी इंडेक्स इंसर्ट कराना। जैसे क्या है, यहाँ पर हमने एक वर्ड इसको मार्क कर लिया और मार्क एंट्री पे गए और मार्क किया, क्लोज कर दिया। ठीक, कोई दूसरा वर्ड हम ले लेते हैं आल्सो, जैसे ले लिया मार्क एंट्री और यहाँ पर मार्क करते हैं और क्लोज कर देते हैं, इस तरीके से ये मार्क हो गया। अब चूँकि यहाँ पर होता है कि जब हम मार्क कराते हैं तो ये देखिए पैराग्राफ मार्क्स या फिर सो हाइड मार्क्स जिसको बोल सकते हो वो एक्टिव हो जाता है, हम होम टैब में जाते हैं और इसको हटा देते हैं और फिर उसके बाद जो हमने मार्क कराए हैं उनको यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं। एंटर कर लिया, थोड़ा सा और प्लेस क्रिएट करते हैं और यहाँ पर आते हैं। देखिए अब हम जो मार्क कराए हुए हैं वर्ड रेफरेंस में गए, यहाँ पर से इंसर्ट उनका इंडेक्स इंसर्ट करा लेते हैं, ओके कराएंगे तो यहाँ पर इंडेक्स के फॉर्म में आ जाएंगे इस तरीके से। अब क्या है कि अगर हम कोई नया वर्ड भी फिर से अगर मार्क कराते हैं, जैसे मान लिया करंट को हमने करा मार्क और मार्क क्लोज। ठीक, अब इंडेक्स में ये जो है हमको देखेंगे तो ऑटोमेटिक नहीं बढ़ा मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी इंडेक्स पे जाएंगे जहाँ पर हमने इंसर्ट कराया है और इसको क्लिक करते हैं तो सारा कुछ क्लिक हो जाता है। रेफरेंस में आते हैं, यहाँ पर अपडेट इंडेक्स कर देते हैं। अब देखिए जो हम करंट इंसर्ट कराए थे वो भी आ चुका है। फिर बात करें मार्क सिटेशन की, तो जो सिटेशन होती है वो टेबल फॉर्म में आ जाती है, ये होता है तुम्हारा इंडेक्स फॉर्म में और ये टेबल फॉर्म में लाने के लिए करते हैं। जैसे कि हम कोई भी सिटेशन पे गए और मान लिया कि इस वाले वर्ड को सिलेक्ट किया, इसको मार्क सिटेशन कर दिया, मार्क हो चुका है और इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम कोई दूसरा वर्ड एक चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि लुक है, और लुक को हम गए मार्क किया
और हमने मार्क करके क्लोज कर दिया। ठीक, अब हम जाएंगे उसी तरीके से, वहाँ पर इंडेक्स शुरुआत में अच्छी लगती है किसी भी चीज़ की। तो पहले तो हम होम टैब में जा करके इसको एंड हाइट का ऑप्शन हटा दें यहाँ से, फिर उसके बाद में हम एंटर क्लिक करेंगे और रेफरेंस पे जाएंगे और इसका जो है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का जा करके क्लिक कर देंगे। देखिए इनकी टेबल्स आ चुकी हैं। अब हमको चाहिए कि अगर हम मान लिया कोई तीसरा कराना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने इस वर्ड को सिलेक्ट किया और इसका भी, इससे भी हमने सिटेशन की तरह मार्क कर दिया और ओके करके मार्क करके क्लोज कर दिया। सबसे पहले जाएंगे इसको स्टूडेंट हेड को हटाएं और यहाँ पर जा करके रेफरेंस में आएं और यहाँ पर आते हैं इस तरीके से। ठीक, अब हमको इस तरीके से दोनों मिले थे, अब इनको अपडेट करेंगे। जैसे अपडेट करेंगे यहाँ पर यू कैन देखिए आ चुका है और यहाँ पर रेफरेंस टैब समाप्त होता है। और आप कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया है, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।